चश्मा ना होने का फायदा बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे पता, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को दिख ही नहीं रहा। बनाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि ये वाली वीडियो पहले दो चैनल पे अपलोड हो चुकी थी। दोनों ही चैनल ने मेरी बाइक बहुत अच्छे ढंग से कवर करी थी, उन्होंने बाइक के बहुत बहुत ही बेहतरीन सिनेमैटिक शॉट्स लिए थे। बाइक को आगे से पीछे से हर जगह से बहुत अच्छे से कवर करा था, लेकिन दोनों ही चैनल पे जो वीडियोस है उसके अंदर मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे, बाइक में जितनी मॉडिफिकेशन हुई है उसके बारे में ठीक से डिटेल से नहीं बताया था। मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि चलो मैं भी इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। पहले बाइक के फ्रंट पार्ट की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा सौदा था इस बाइक का। बाइक में जो आगे सस्पेंशन यूज़ हुए हैं वो ट्यूब 390 के हैं। अब वो आपकी चॉइस है, आपको वो चेंज कराने हैं कि नहीं कराने हैं। वो मेरी चॉइस थी कि मेरे को वो अच्छे लग रहे थे, इस वजह से मैंने वो परचेज करे। मैंने वो लगाने से पहले कई बार मार्केट सर्च करी थी तो मुझको वो सेकेंड हैंड नहीं मिले थे, तब जाके मैंने ट्यूब के सर्विस सेंटर से जाके वो परचेज करे। वो मुझको ऑन बिल 28,000 रुपये के आसपास कुछ पड़े थे। लगाने का काम जो था वो SS गोल्डन बाइकर ने ही करा था। आप चाहे तो कंपनी से भी फिटेड करा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है कि कंपनी किसी और ब्रांड की बाइक पे अपने पार्ट की फिटिंग करे। बात करते हैं इस बाइक की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ की, जो है ब्रैम्बो के क्लच लीवर। इसके जो क्लच लीवर हैं वो ब्रैम्बो कंपनी के हैं, जो ये आपको मार्केट से इजीली कहीं से भी नहीं मिलेंगे। कॉस्ट 5600 के आसपास है। कुछ लोगों को ये महंगे लगेंगे, ये जिस तरह से दिखते हैं वो कॉस्ट है वो एकदम वर्थ है। हैंडल गार्ड इसके ड्यूक 390 के हैं, आपको ड्यूक के किसी भी सर्विस सेंटर से मिल जाएंगे। ये हैंडल गार्ड आपको मुश्किल से 2000 के मिल जाएंगे। अगर आप बाहर से लोकल लेते हैं तो ये और भी सस्ते मिल सकते हैं आपको। आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो इसके हैंडल बार है बाइक है वो दोनों ही रैप्ड है, तो जो इसका हैंडल गार्ड है उसका उसका रियल कलर वाइट कलर का है, तो मैचिंग के तौर पर मैंने दोनों चीज़ें रैप करवा दी थी। सबसे ज़्यादा दोनों ही वीडियोस के अंदर जो मुझसे पूछा गया वो क्रैश गार्ड के बारे में था। डिज़ाइन को देखने के लिए मुझे वीडियो कॉल कर दी। तो मैं बता दूं कि आपको मार्केट में वो कहीं नहीं मिलेंगे, आप जाना वगैरह पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो अवेलेबल चीज़ है वो आपकी RTR के लिए नहीं है, वो 390 के लिए है, वो डोमिनार 400 के लिए है। आप सोचो कि वो RTR के अंदर फिटेड हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं कर चुका हूँ। मैं डोमिनार 400 के क्रैश गार्ड लेके आया था जो उसके अंदर फिट नहीं हो पाए थे, तो जो इसके अंदर क्रैश गार्ड लगे हुए हैं वो हैंडमेड हैं, वो हाथों से बनाकर उसका साइज़ मेज़र कर तब बनाए गए हैं, वो बाहर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको भी वैसे सेम बनवाने हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसका डिज़ाइन वगैरह बता दूंगा। अगर आप बाहर किसी से बनवा सकते हैं तो वेल एंड गुड। इसके अंदर जो हैंडल की मॉडिफिकेशन हुई है वो हैंडल ट्यूब 390 का है। बहुत से लोग हैं जो शायद पूरी बाइक की मॉडिफिकेशन नहीं कराना चाहते, तो वो खाली एक हैंडल को चेंज करके या हैंडल को लगा के बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क आएगा वो आपके सिटिंग पोस्चर पर आएगा। आप RTR को थोड़ा सा झुक के चलाएंगे, बट जब आप ड्यूब 390 का हैंडल उसके अंदर लगा लेते हैं तो वो एकदम क्रूज़र वाला पोस्चर आपको देगा। 390 का जो हैंडल है उसकी कॉस्टिंग आपको 4,500 से 5,000
के बीच में पड़ेगी। मैंने जो इसके अंदर नंबर प्लेट लगवाई है वो मैंने इंस्टाग्राम का एक पेज है यहाँ से मंगवाई थी। ये मेरे को अप्रॉक्स 500-600 रुपए की पड़ी थी। तो ये आपको बहुत आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा के नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। वैसे इस तरीके की नंबर प्लेट जो है वो इलीगल है, तो आपको शायद चलान भी हो सकता है, और मेरा हुआ है कई बार। इतनी बड़ी वीडियो की आदत नहीं है ना, कच्चे खिलाड़ी हैं। चलो अब बात करते हैं इसकी टेल्ट आईडी की। जो बाइक के अंदर दो टेल्ट आईडी लगी हुई हैं, एक वो टेल्ट आईडी है जिसके अंदर हम अपनी नंबर प्लेट लगाते हैं, और एक वो टेल्ट आईडी है जो आपके रियर टायर पे लगती है। तो दोनों का जो प्राइस है वो 2800 और 2800 अप्रॉक्स सेम ही है। अब बात करते हैं जो बाइक पे विंडशील्ड लगी हुई है। ये विंडशील्ड आपको बजाज के किसी भी सर्विस सेंटर से मिल जाएगी। ये शायद इस बाइक पे लगी हुई सबसे सस्ती चीज़ है, 650 रुपए की मिल जाएगी। आप किसी भी मैकेनिक से लगा सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप ये विंडशील्ड लगवाओगे तो जो कंपनी फिटेड विंडशील्ड है छोटी सी, प्लीज़ उसको मत उतरवाना। कोशिश करना कि उसी में होल करवा के और इसको उसी में अटैच करवा देना। इससे क्या होगा, बड़ी वाली विंडशील्ड को एक बेस मिल जाएगा, तो जब आप अबव 100 भगा रहे होंगे अपनी बाइक को तो उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, जो उसकी टूटने वाले चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। फिर भी ओवर प्रोटेक्शन के लिए, उस विंडशील्ड को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, इस तरीके की दो पत्तील बनवा के लगवा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि विंडशील्ड के बिल्कुल चांसेस ख़त्म हो जाएंगे वो कभी टूटे, क्योंकि जब आपकी बाइक अच्छी खासी स्पीड में होती है तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वाइजर के टेढ़ा होने। तो इसमें जो मैंने फॉग लाइट लगवा रखी है, उसको लगाने का रीज़न ये था कि इन फ्यूचर जब मैं बड़े बड़े ट्रिप पे जाऊंगा इंशाल्लाह, मैं चाहता हूं कि रात का जो विज़न है वो बहुत अच्छा रहे। अगर आप देखोगे तो जो मैंने इसकी हेडलाइट है उसके अंदर स्मोक रैप करा रखा है। इस वजह से ज़रूरत थी कि मेरे को ये वाले फॉग लाइट लगानी थी। RTR की अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। वैसे तो मैंने इसके अंदर बाइक में जितने भी चेंजेस कराए हैं वो एक्सटर्नल हैं। एक इकलौता K&N का जो एयर फिल्टर आता है इसके अंदर, बस खाली मैंने वो यूज़ किया है। तो वो एक इकलौती चीज़ है जो आफ्टर मार्केट मैंने इंटरनली लगाई है इसमें। उसके बाद बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई। अप्रॉक्स अभी तक जो मेरी बाइक है वो 160 क्रॉस कर चुकी है। अगर आगे और क्रॉस करेगी तो अपडेट मिलती रहेगी आप। तो इस वीडियो के अंदर मैं जितनी चीज़ें कवर कर सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कवर करने की। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे मोबाइल चार्जर, स्टिकर्स वगैरह, अब इन सब चीज़ों के अंदर तो मैं वीडियो बनाऊँगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या आपके किसी भी काम आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर नोटिफिकेशन आ जाए। हम इसी अपाचे के अंदर बहुत सारे रोड ट्रिप करने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड। अभी भी किसी को कोई सवाल रह गए हो तो वो कमेंट कर सकता है।